क्या क्या है आज जन्मदिन तो आई के साथ बिता लेना। अरे बस क्या है, खाली जन्मदिन क्या को? अरे अक्का जिंदगी में तेरे साथ ही बिताने वाला है। अभी क्या है, मैं मस्त में फटका लेके निकला है अपनी और तेरी किस्मत चमकाने के लिए को। अरे ताकि जिंदगी बेहतर हो सके आई। अरे तेरा सत्य है ना, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, यू गया और यू आया। अभी क्या है, अपने बर्थडे के दिन अगर मैंने अपनी आई को हैप्पी बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया तो बर्थडे नहीं मिस ले रहे। कर संतोष, कर आंगोल स्वच्छ कर। क्या चाहिए आपको? हे भगवान, ये तो वही है सिद्धार्थ साहब के दोस्त नील की साली। लेकिन ये यहाँ क्यों आ गई है? इसने मुझे पहचान लिया तो? इतने सालों बाद यहाँ क्या करने आई है ये? क्या चाहिए इसे? अगर इसने सत्या को देख लिया तो गजब हो जाएगा। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं सत्या से मिलना चाहती हूँ। क्यों क्यों सत्या से क्यों मिलना है आपको? मुझे इस बस्ती के रीडेवलपमेंट के लिए सत्या से बात करनी है। उसे जरा बुला देंगे प्लीज, जल्दी। ए आई मोटर चालू कर आई, पानी रुक गया अंदर। ये आवाज कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। ये अंदर सत्या की आवाज? हाँ? नहीं नहीं, वो मेरा बेटा वो आई। अरे कर दे आई। सत्या की शक्ल एकदम सिद्धार्थ साहब से मिलती है। अगर इसने सत्या को देख लिया और पहचान लिया तो? हे देवा, ये काय करो? ए आई, अरे करना मोटर ऑन आई। मैं कब से ना रहा अंदर, पूरा साबुन मेरी आंख में गला है। हाँ करती हूँ करती हूँ। वो मेरा बड़ा बेटा है ना सुनील, उसने आपको कह दिया है ना कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम हमारी बस्ती किसी को नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ से जाइए। ओ गॉड, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं आप लोगों को नहीं खरीदना चाहती हूँ, आपकी जमीन को खरीदना चाहती हूँ। और इसी सिलसिले में सत्या से बात करना चाहती हूँ, उसे समझाना चाहती हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या फायदा है। देखिए मैडम, हम गरीब है पर लालची नहीं। अरे पर मैं ऑफर तो कर रही हूँ ना आप लोगों। आई, अरे कर दे आई। अरे मुंह पर साबुन लग रहा है मेरा आई। हाँ बाबा करती हूँ, रुक। देखिए मुझे अभी बहुत काम है, आप यहाँ से जाइए। एक बार कह दिया ना मैंने। पर आप एक बार सुन तो लीजिए। हेलो, जाइए। आज बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। किधर वो चिपकू चिपकली, आई नहीं साथ में? थैंक गॉड नहीं आए, एटलीस्ट आज हम बात तो कर सकते हैं। अरे कहाँ मेरे से कहाँ बात कर रही है, अपने फोन पे लगी हुई है। अपने फोन से फुर्सत मिलेगी तो मुझसे बात करेगी नहीं है। और आज वो चिपकू चिपकली भी नहीं है, अगर होती तो कम से कम उसकी टांग खींचते खींचते वक्त कट जाता है मेरा। कुछ कहा तुमने? हा? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं खाली ये कह रहा था कि तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ना। यू लाइक माय ड्रेस? पर रेल में वो जो मॉल है ना विद ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड्स, मैंने उधर से लिए। तुम गए होगे ना? कई मैं तो सब कुछ उधर से ही लेता हूँ, सारे बाहर के ब्रांड उधर ही है। आई थॉट सो। तुम्हारी जैकेट कहाँ से? नाला सुपारा में, नाला सुपारा से बहुत दूर निपंसी रोड है। निपंसी रोड में एक बहुत बड़ा मॉल है, उधर सब वो बड़े बड़े डिजाइनर लोग रहते हैं ना, सब अपना वो सामान उधर ही रखते हैं। तो ये जैकेट रहेगी कुछ सवा लाख के आसपास की होगी। वहीं से लिए। नाइस। कोयल माही कहाँ है? मुझे क्या पता, उसका काम है मेरे आसपास रहना, इट्स नॉट माय जॉब। कोयल, आई एम टॉकिंग टू यू। माही तुम्हारे साथ निकली थी, हम सबको चिंता हो रही है, अभी तक घर नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है।
और वो वैसी लड़की भी नहीं है जो इतने देर तक बाहर रहे. Where is she? Oh, really? बड़ा यकीन है ना, तो ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि वो इस वक्त एक लड़के के साथ है. माही ने किसी लड़के के बारे में कभी बात नहीं की. कौन हो सकता है वो लड़का? पर अगर ये सच हुआ तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा. ये लड़की हाथ से निकल गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे. क्या कभी कोई तुमको बोला है क्या कि तुम्हारी ये जो नाक है ना, एकदम सांप के माफिक लंबी है क्या? हर किसी के फट्टे में घुस जाती है. बोला है कोई मेरी नाक एकदम ठीक है, पर तुम्हारे कान में कुछ गड़बड़ है. पता तुम्हारे कान कैसे? हाथी के जैसे बड़े बड़े कान. किसी ने तुमसे ये कहा? हाँ बोला है ना. किसने? अभी तो तुमने कहा आंटी. अभी एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का है क्या? जब भी तुम हंसती है ना तो बुरी नहीं लगती है, ठीक ठाक लगती है. ऐसे नॉर्मल लड़की के माफिक दिखती है, छिपकली के माफिक नहीं. नॉर्मल बोले तो? नॉर्मल बोले तो जैसा सुंदर चान एकदम. मैं बाकी लड़कियों के जैसी नहीं हूँ. ऐसा क्या? बाकी लड़कियों की तरह मैं थोड़ी ना ऐसे सेल्फी लेती हूँ, पाउट करती हूँ. पाउट? तुम भी करो ना ऐसे. अभी क्या तुम्हारे जैसा मुंह बनाने का? ठीक है करता है मैं. पिक्चर क्यों नहीं आ रही है? अरे क्योंकि तुमने वीडियो लगा रहा है. फोटो किधर से निकलेगा? ओ तभी. आई शपथ नॉर्मल नहीं है तू. अरे आई से याद आया, अपनी आई खाना पीना तैयार करके इंतजार कर रही होगी मेरा. अभी मैं नहीं पहुंचूंगा ना, खाना नहीं खाऊंगा तो कल सुबह मुझे ही खा जाएगी मेरी आई. तुम्हारी आई तुमसे बहुत प्यार करती है. बहुत बोले तो बहुत से भी ज्यादा. अक्की दुनिया में सबसे ज्यादा ना मेरी आई मुझसे प्यार करती है मालूम, और मैं अपनी आई से. अरे जिंदगी है मेरी वो. हाँ, मैं कोई स्पेशल थोड़ी है. अभी दुनिया की सभी आई अपने बच्चे से प्यार करती है, तुम्हारी आई तुमसे करती रहेगी. मेरी आई नहीं है. नहीं है बोले तो? मर गए. मेरी आई मर गई. उसके बाद बाबा ने कभी मेरी परवाह नहीं की, और अचानक से वो भी चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए. पर मेरी मम्मा है ना, एक्चुअली वो मेरी मासी है, कोयल और शोम की मम्मा. वो मुझसे बहुत प्यार करती है, अपनी अपनी बच्ची के जैसे. उन्होंने ही मेरी जिंदगी संवारी. मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है. मम्मा
एक्चुअली मेरी चिंता कर रही होगी, मैं अब तक घर नहीं पहुंची ना। तूने अपनी अक्की जिंदगी न्याय के बिना काट दी, मालूम नहीं कैसे। अभी अभी क्या है छिपकली कि तूने अपनी लाइफ के बारे में इतनी बड़ी बात बताई है ना अपने को। अपन भी तुझसे कुछ कहना मांगता है, बनता है। हे पापा, पता नहीं मेरा सत्या किधर है। पूरी रात घर नहीं आया है वो, मेरा तो जी घबरा रहा है। उसे जल्दी से वापस ले आ पापा। आई, अरे इतनी चिंता क्यों कर रही है तू? अरे पहली बार थोड़ी हुआ ऐसा। देख तेरा सत्य है ना, पूरी दुनिया को घुमाता रहता है वो। अरे खुद थोड़ी ना गुम हो जाएगा वो कहीं। और वैसे भी कल रात को मौसम इतना खराब था, कहीं रुक गया होगा किसी के पास। पता नहीं मेरा दिल बार बार कुछ और ही सोच रहा है। वो औरत पहली बार मेरे सत्य को ढूंढने आई थी कल यहाँ, नील साहब की साली, और उसके बाद से ही मेरा सत्या का कोई अता पता नहीं है। भाई अभी तक नहीं आई। I'm really sorry, Satya. कल रात को मैंने तुम्हें बहुत गलत सलत कह दिया। कोई नहीं, अभी क्या है कि अपना अपना इक्वेशन थोड़ा थोड़ा 19 था, अपन मिलकर उसे 20 कर देंगे। कोई नहीं, अपने को बुरा नहीं लगा, इट्स ओके। आज तुम्हारी वजह से मुझे मम्मा से झूठ बोलना पड़ा, सो फेक। पर आंटी एटलीस्ट तुम्हारे झूठ बोलने का अकाउंट तो खुला। हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल कोयल? सिर्फ इसलिए कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर अकेले जा सको, तुमने मुझे उस सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया। हाउ कुड यू डू दैट कोयल? अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुमको कैसे कुछ होता? आया तो था सुपरमैन तुम्हें बचाने, पूरी रात अपने मजे करके लौटी हो, एंड नाउ यू आर प्रिटेंडिंग टू बी द विक्टिम। पहला झूठ एंड यू आर अ प्रोफेशनल। थैंक गॉड कि वो वहां पर आ गया कोयल, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। उसने मेरी जान बचाई है कोयल। वो वहां पर इसलिए आया था क्योंकि तुम मेरी बहन हो। तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कोयल, कम से कम उसे तो था। वो छिछोरा कल क्या था, धोखेबाज, आज रिस्पॉन्सिबल हो गया। ब्रिलियंट। वो तुम्हें चाहता है कोयल, कांट यू सी दैट? ही लव्स यू। इनफैक्ट मैं जो उसके बारे में सोचती थी वो सब गलत था, वो वैसा नहीं है। तो तुम उसे डेट कर लो, मेक हिम योर बॉयफ्रेंड। कोयल, कोयल लिसन टू, अभी भूख के मारे के हिचकी शुरू हो गई क्या? ये लो पानी पी लो, बंद हो जाएगी। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। नहीं मानेगी। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही, किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम
जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए. मैं भी कुछ भी सोचती रहती हूँ. खाना मिलता है बोले तो बड़ा मस्त खाना मिलता है इधर. जब भी मैं अपने वो 5-star वाले खाने से बोर हो जाता हूँ ना तो मैं इधर आता हूँ. बहुत अच्छा मसालेदार एकदम देसी स्टाइल का. बैठो ना, बैठो बैठो बैठो. शर्माने के नहीं है छोटू, आजा. That is so unhygienic. टमी बग हो गया तू. टमी बग? अरे बग लोग के लिए दूसरा एक एक्सक्लूसिव जगह बनाया है ये लोग. टमी में बग नहीं आता इधर. हाँ क्या छोटू, इधर का पानी भी एकदम फिल्टर वाला है, क्यों झूठ बोल रहा है क्या? नहीं साहब, नल का पानी है. Oh my God, I just can't. आप एक काम करते, कोयल सही कह रही है. मैं काम करती हूँ, तुम्हारे लिए मिनरल वाटर बॉटल ले आती हूँ. आई ला चिपकू, बैग खोलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी. नहीं नहीं, मैं है ना, मैं लेके आता है. अरे तो क्या तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैं ले आऊंगी. अरे नहीं नहीं, अभी तुम लेडीज है, मैं जेंट्स है, तो जेंट्स के होते हुए लेडीज काम करे अच्छा नहीं लगता, अपने कल्चर में नहीं है. मैं लेके आता. मेरा बैग. बैग? ओ आता हूं. मामा का वीडियो कॉल है. माही कहाँ हो तुम? अकेले तो नहीं हो ना? नहीं मामा, एक्चुअली हम लोग एक फ्रेंड के साथ यहाँ ढाबे पे खाना खाने आए. डोंट वरी, वी आर सेफ. लड़का बहुत अच्छा है. अच्छा लड़का? अब कौन है माही, कोई दिख नहीं रहा. वन सेकेंड मामा. अभी तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ गया. Mom, I've decided मेरे बर्थडे पे मेरे को masquerade theme चाहिए, all right? Okay, as you wish. Thanks. Okay. Bye, Mama. ले. सुनील, मैं क्या सोच रही हूँ? ये जो बाजू वाले सोसाइटी वाले जो है ना, जो गणपति उत्सव का प्रोग्राम मना रहे हैं, उस तरह से हमें भी तो कुछ करना चाहिए. तुम्हें क्या लगता है? मतलब उस हिसाब से सब चौल वाले एक साथ आएंगे, परिवार जैसा महसूस करेंगे, है ना? बिल्कुल आई. और वो फिर मैं देखती हूँ ना, वो री क्या, वो रीडेवलपमेंट वाले आई. रीडेवलपमेंट वाले वो क्या कर सकते हैं. बरोबर बोले सर. आ गया, किया मेरा काम. एक काम ढंग से नहीं करता है तू. हाँ बाकी टाइम तो हीरो बनते घूमता रहता है. कहाँ है मेरा हार? मुझे मेरा हार चाहिए सत्या, मुझे गणपति के दिनों में पहनना है उसे. कुछ काम का नहीं रहा है तू. अरे सुनील जरा बता दे इसे. हो आई. हो आई बोलता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हो आई. मर गए सत्या.
अभी इधर भी आग लगे लिए और उधर भी मस्त में आग लगे लिए। अभी क्या करने का, कैसे लेके आएगा मैं आई का हार। एक ही रास्ता है। माही, स्वीटी, माही, कौन था यहां और वो भी इतनी रात में माही के कमरे में क्या कर रहा था? अब माही मुझसे छुपा के ये सब भी करने लगी है। नहीं लाया ना हार? नहीं लाया ना? बहाने मत बना, कुछ नहीं हो रहा है तुमसे। मैं सुनील को ही बता देती हूँ। चुप। अरे बस क्या गणपति पप्पा, अभी क्या अपनी आई के सामने इज्जत का फालूदा करोगे क्या? अभी हर प्लान फेल हो रहा है मेरा, कुछ तो रास्ता दिखाने का। हेलो, हाँ कोयल। कल मेरा बर्थडे है एंड मेरे घर पे पार्टी है, आओगे ना? हाँ हाँ, अरे तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारे ही घर में पार्टी है, मैं तो पक्का आएगा। हाउ क्यूट। ओके ग्रेट देन, सो यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स एंड द थीम इज मैस्कुलिन। मैस्कुलिन? लुक कूल, ऑलराइट। आई विल वेट फॉर यू। या कूल, ओके ओके, बाबू बाय। ओके सी या। सो क्यूट। मान गए गणपति पप्पा। अरे क्या रास्ता दिखाई ला है, अभी मैं मस्त में जाके आई का हार भी लेके आएगा और साथ में अपनी चावी से भी मिलके आएगा। थैंक यू पप्पा। क्या दादा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये रेन डांस सुना है, पूल पार्टी भी सुना है, अब ये कौन सी पार्टी होती है? मस्करी मस्करी करके कोई पार्टी होती है क्या? अरे सिस्टर, अगर मेरे को पता होता था तो क्या मैं तुमसे पूछता था? अभी मैं क्या बोलता है, अभी अपना दिमाग लगाने का नहीं, अपने फोन का दिमाग लगाने का, पूछने का कि होता क्या भाई मस्करी पार्टी। स्पेलिंग क्या है? MOSKE। हे सुरेगो, क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई तुम दोनों? अरे खिचड़ी छोड़ो, ये बताओ ये मस्करी पार्टी क्या होता है? मस्करी? सत्या, मस्करी नहीं मैस्क्यूरेट होगा। मैस्क्यूरेट बोले तो? मैस्क्यूरेट पार्टी, जो वो मास्क पहन के जाते हैं ना शकल छुपा के, वो दिना दिन्दा, दिना दिन्दा, दिना दिन्दा। चेहरा छुपा के दिना दिन्दा, दिना दिन्दा। ऐसा क्या? टैंग टैंग। देख दादा कितना मस्त है ना, देख एक दिन के लिए हायर किया, बहुत महंगा है, ध्यान से पहनना और कोई चटनी या सॉस कुछ गिरा मत देना, वरना 5 महीने की तनख्वाह एक दिन में चली जाएगी, तो प्लीज ध्यान से। बस क्या सिस्टर, जब ही जिंदगी बड़ी हो ना तभी ये छोटी मोटी मुश्किल के बारे में सोचने का नहीं, क्या तभी खाली सपना देखने का, बड़ा सपना। मस्त है। दादा इतना मस्त लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है जैसे तेरे लिए ही बनाया था। बिल्कुल सुपर्ब, गॉर्जियस यू आर लुकिंग। थैंक यू बाबा। बट डोंट यू थिंक सो, इसके साथ कोई मैचिंग ज्वेलरी पहनना चाहिए गले में? मैचिंग ज्वेलरी है मामा, खास आज के लिए।
क्या चिपकू, कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे अच्छे कपड़े में तू भी अच्छी लग सकती है। अच्छी लग रही है। वैसे तुम भी बुरे नहीं लग रहे हो। हाँ। सूट भाड़े का है? हाँ? या चोरी का? हाँ? I'm just joking. joking. वैसे इतना रईस होने के बावजूद भी तुम मास्करेड पार्टी में नहीं गए अभी तक? मैं नहीं गया, 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 गया हूँ ना। तो मास्क कौन पहनेगा? मास्क? मास्क। ये पहना जाता है। पहने वाला था। पहन लेता हूँ। और तुमने भी तो नहीं पहना। तुम गेस्ट जो हो, मैं तो पहन लूँगी। क्या बकवास लॉजिक है? कुछ? Nice. Stats. अरे। You're finally here. Oh. I'm so happy. आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। And I'll make you meet all my friends. Joey. Yeah.